ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं लगता, मन टिकता नहीं है। इसको कैसे टिकाएं, इसको एकाग्र कैसे बने, कंसंट्रेट कैसे करें। मित्रों, आज हम इस विषय पे आपको थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप ये समझ पाए कि हम गलती कहाँ करें, क्योंकि जब तक गलती पता ना चले तब तक उसका सुधार संभव नहीं होता। मित्रों, दिमाग में चलता क्या है सबसे पहले वो देखिए। दिमाग में वही चलता है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो उसको कुछ समझाने का प्रयास करें, या आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझाने का प्रयास करें, या तीसरे शब्दों में कहें तो कहीं कुछ कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं, वो सब आपके दिमाग में चलता रहता है। अब मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे पास जितने विषय यानी कि हमारे माइंड के पास जितने सब्जेक्ट ज्यादा होंगे उतना ही वो ज्यादा घूमने को देखेगा, उतना ही ज्यादा वो घूमता है। अब जैसे मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बता दूं, बच्चा स्कूल में क्या पहन के जाए कैसे डिसाइड होता है। जब तक बच्चे का यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं होता कि बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म ये है, तब तक बच्चा ये चॉइस करता रहता है आज ये पहनूं कि ये पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, बच्चे क्या बड़े भी। और यदि यूनिफॉर्म निश्चित है कि भाई स्कूल में यही पहन के जाना है तो क्या पहनना, कोई चॉइस नहीं है, हमें यही पहनना है, यानी कि उसके पास ऑप्शन बहुत कम है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है। मतलब यूनिफॉर्म पहनना, हाँ उसमें अब ये एक है कि दो यूनिफॉर्म है, गंदा है कैसा, वो बस उतना ही होता है, बाकी उसको यूनिफॉर्म ही पहनना है और निश्चित है, फिक्स है, तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं क्या पहनूं। ठीक है, क्लियर। लेकिन हमारे माइंड के पास क्या होता है, हम उसको इतने सारे सब्जेक्ट दे देते हैं, कहां से दे देते हैं। मित्रों, हमारे पास मोबाइल होता है। अभी जो मोबाइल है ना मित्रों, इसमें दुनिया भर में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन उतनी ही घातक, उतनी ही बुरी भी हैं। हम दोनों तरफ की चीजें माइंड को देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं उससे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन जो हम गलत चीजें अपने माइंड को दे देते हैं उससे हमारा माइंड बहुत ही गलत तरीके से डाइवर्ट हो जाता है, जो हमें हमारे मस्तिष्क को भटकाता रहता है। अब ये भटकाता कहाँ है मैं आपको बताऊं, जो आप देखते हैं, आप सीरियल देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप ब्लू फिल्म्स देखते हैं, या न्यूज देखते हैं, मैचेस देखते हैं। अब मैच देखते हैं उसमें मैंने बहुत से लोगों को बाद में, अरे उसको ऐसा शॉट मारना चाहिए तो ऐसे जाता। अरे भाई आप खेलते हो क्या, जिसके सामने जो कंडीशन आती है वो फेस करता है, उसको पता है ना कैसे करना है। आप उसको बैठे बैठे घर से गाइडेंस नहीं दे सकते, और दे लो क्या उस तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचने वाला, पर आप अपने दिमाग को उसमें खराब करते रहते हो। मित्रों, वैसे ही जैसे कहा ना, जैसे बच्चे के पास एक यूनिफॉर्म है, जब किसी व्यक्ति के पास कम कपड़े होते हैं तो उसकी समस्या नहीं होती कि मुझे क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं, उसको एक दो जोड़ी कपड़े, बस उसको ये छोड़ा वो पहना, वो छोड़ा ये पहना, बस इतना ही होता है। पर जब जितने ज्यादा कपड़े होते, जितनी ज्यादा चॉइसेस होती है, उतना हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है, इसलिए हम उसमें डिसीजन नहीं ले पाते और हम सोचते हैं अरे यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं, नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, ऐसी स्थिति आपके दिमाग की बन जाती है जब उसको इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे विषय मिल जाते हैं, वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता, और बस उन्हीं में वो कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, उसमें बस वो भटकता रहता है, और आप कंफ्यूज होते रहते हो कि भाई मेरा माइंड तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, नहीं हो पा रही हूं, और ये बहुत भटकता है, मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं। मित्रों, यदि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से, अपनी टीवी में से, अपने मोबाइल में से सीरियल्स को, फालतू की चीजों को हटा के अलग करना होगा। और यदि फालतू की चीजों में यदि आपको हमारा चैनल भी लगता है तो आप इसको भी हटा के अलग कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया, अपने लिए अभी एट प्रेजेंट मैं जो कर रही हूं, 10 से 6, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक मैं इंटरनेट यूज करती हूँ, उसके बाद उससे पहले मैं हो सके वहां तक इंटरनेट यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मैंने देखा मेरा बहुत सारा समय उस पर जा रहा था, तो अब इतने समय में मुझे सारी चीजें करनी होती हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना टफ होता है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे क्या हो गया, मुझे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जाने का समय कम है, तो सबसे ज्यादा समय हमारा यही दो चीजें ले जाती है। और ये हमें जो ज्ञान कई बार देते हैं ना, जिसे मिथ्या ज्ञान यानी कि फालतू करके एक्स्ट्रा ज्ञान, जिसको हम सिर्फ कुछ देखते हैं, फॉलो तो करना छोड़ दो, हम उसको पूरा पढ़ते तक नहीं, बस फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। मित्रों, ज्ञान कभी भी फॉरवर्ड करने से फॉलो नहीं होता है, उसको फॉलो करना होता है। यदि ज्ञान कोई अच्छा लग रहा है तो उसको पहले फॉलो करिए, फॉरवर्ड करेंगे तो मात्र फॉरवर्ड करते रहेंगे, या फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी वो आपके जीवन में अपना सही असर नहीं डाल पाएगा और ना ही आपको उसका कोई लाभ मिलेगा। फॉरवर्ड करने के लिए ज्ञान नहीं होता, और हमारा सोचना वही हो गया आजकल कि हम ज्ञान फॉरवर्ड करेंगे, हमें पालन हो गया, ऐसा हम
मान लेते, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब मित्रों यदि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले मैंने कहा विषयों को अपने आप से हटाएं, जितना कम चीजों को देखेंगे उतने कम विषय दिमाग को मिलेंगे। मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं बहुत कम न्यूज देखती हूँ, नाम मात्र की न्यूज देखती हूँ, कभी 10-15 मिनट उससे ज्यादा मैं न्यूज नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें न्यूज हैं वो हमें नॉर्मली मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से। और दूसरी बात, हम बड़ी न्यूज जब देखने की कोशिश करते हैं पूरा लंबा पूरा दिन, तो पूरा दिन रात हमारे दिमाग में चलता रहता है, इसलिए उसको पूरा अवॉइड कर दीजिए। जितना अवॉइड करें, क्योंकि जैसा लॉकडाउन में हमने देखा बहुत से लोग न्यूज सुन के, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आया, बहुत सी चीजें हो गई, उसका कारण उतना सा ही है, क्योंकि जब आप फालतू की चीजें देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत गहराई से काम कर जाते हैं। और मित्रों एक बात और बता दूं, जब आप इनसे हटेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा शांति से बैठना है। और जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, इस वीडियो में भी कह रही हूं, डिस्क्रिप्शन के लिंक देखिए। जब आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा, जब आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक स्वास्थ्य नियम का दिया, आप उसका पालन करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके बॉडी में कुछ जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे, जो आपका पेट खराब था, जो आपको बार बार ये सर दर्द, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता था, उससे आपको समाधान मिलने लगेगा। उसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, इससे आपके शरीर में शक्ति आएगी, बल आएगा, जो आपको एकाग्र होने में आपकी सहायता करेगा। मित्रों कमजोर मन हमेशा डरता रहता है, जो कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। यदि आप मजबूत बन जाते हैं, आप जब मजबूत होते हैं तभी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते, क्योंकि मजबूत मन ही निश्चिंत हो पाता है और निश्चिंत मन ही कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। इसलिए पहले अपने मन को मजबूत बनाइए, तब आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो मित्रों ये हमने आपको एक सिंपल वे बता दिया कॉन्सेंट्रेट करने का, और उसके आगे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट, और हमारी प्लेलिस्ट और है सम्मोहन, आकर्षण का सिद्धांत, उसमें भी हमने कुछ वीडियोज दिए आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करें देखिए, और साथ ही ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट में भी हमने कुछ वीडियोज दिए, देखेंगे पालन करेंगे तो आप निश्चित ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। और देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी है, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं और नंबर भी मिल जाएगा, फॉलो करिए और जीवन में कुछ निर्णय लेने में लेकर आगे बढ़िए। जीवन आपका है, इसमें उत्साह भरना, खुशियां भरना, उमंग से जीना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।